Hello my dear kids, welcome back. I am Vandana and we are learning science of class 4 by Brain Root series and here is a book Science Park. Today we are going to start with chapter number 12 and the name is Soil. So in this chapter we are going to learn about formation of soil, soil kaise banta hai, types of soil, soil kis kis tarike ke hote hain, soil ka kya profile hai. लाइफ इन द सॉइल, सॉइल में कौन कौन सी लाइफ जनरेट होती है, सॉइल इरोजन क्या होता है एंड वॉट इज सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल को कैसे बचाया जाए, सेफ रखा जाए. सो लेट्स स्टार्ट विद द वार्म अप एक्सरसाइज. आइडेंटिफाई द थिंग्स विच आर यूजुअली मेड ऑफ क्ले. यहाँ पे कुछ चीज़ें बनी हुई हैं, उनमें से आपको उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है जो क्ले या फिर मिट्टी से बनती हैं. सो यस, मिट्टी से बनता है ये पॉट एंड कलर देम ब्राउन. और ऐसी चीज़ों को आपको कलर भी करना है. तो और भी कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, उन्हें सर्कल करना है एंड ऑल्सो यू हैव टू कलर दोस. द आउटर सॉफ्ट लेयर ऑफ अर्थ ऑन विच प्लांट्स ग्रो इज नोन एज सॉइल. सो ये वो एरिया जहाँ पे प्लांट्स ग्रो करते हैं, जो बाहर का हिस्सा है जो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इस एरिया को हम सॉइल कहते हैं. सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ. सॉइल जो है किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. प्लांट्स नीड सॉइल टू ग्रो ऑन. प्लांट्स को क्या चाहिए, सॉइल चाहिए ताकि वो बढ़ सके. प्लांट्स प्रोवाइड फूड टू मोस्ट एनिमल्स. प्लांट्स क्या करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे एनिमल्स को. प्लांट्स ऑल्सो प्योरीफाई एयर एंड इन्फ्लुएंस रेनफॉल. प्लांट्स क्या करते हैं, एयर को प्योरीफाई करते हैं और रेनफॉल को भी लाने में ये हेल्प करते हैं. विदाउट सॉइल देयर विल बी नॉट एनी प्लांट लाइफ ऑन अर्थ. सो अगर सॉइल नहीं रहेगा तो ना ही प्लांट रहेंगे और ना ही लाइफ रहेगा अर्थ पे. तो आप देख सकते हो कैसे प्लांट्स को ज़रूरत होती है सॉइल की, कैसे एक छोटा प्लांट धीरे धीरे करके बड़ा प्लांट बन जाता है. नेक्स्ट कम्स फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. सॉइल बनता कैसे है. सो सॉइल इज़ अ वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. ये काफ़ी ज़्यादा कीमती नेचुरल रिसोर्स है दैट कंटेन्स सैंड, जिसमें क्या होता है, सैंड होता है, सिल्ट होता है, क्ले होता है और ह्यूमस होता है. तो ये चारों चीज़ें आपको सॉइल में मिलेंगी. ह्यूमस क्या है, ह्यूमस इज बिट्स ऑफ डिकेइंग एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ. सो ह्यूमस क्या है, जो मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके जो डिकेइंग पार्ट है, मींस जो बचे खुचे पार्ट हैं, वो जब सड़ जाते हैं तो ह्यूमस बन जाता है. सॉइल डेवलप्स ओवर 100 मिलियंस ऑफ ईयर. और सॉइल को बनने में हजारों साल लगते हैं. इट फॉर्म्ड बिकॉज द फोर्सेस ऑफ नेचर, विंड वाटर एंड रेनफॉल ग्राउंड द टॉप रॉकी लेयर. ये कब बनता है, ये तब बनता है जब जो है कुछ फोर्सेस काम करते हैं एक साथ, जैसे कि नेचर काम करता है, विंड काम करता है, वाटर अपना काम करता है, रेनफॉल जो है अपना काम करता है. तो क्या होता है, जो टॉप रॉकी लेयर होता है अर्थ का, वो छोटे छोटे पार्ट्स में जो है बट जाता है और फिर आगे जाके वो और छोटे पार्ट्स में बच जाता है एंड धीरे धीरे वो सॉइल बन जाता है. ऑल्सो प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई एंड मिक्स विद द सॉइल. अब ये जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये मर जाते हैं और सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं. विच एड्स न्यूट्रिएंट्स टू इट. और ये जो मेरे वे प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये क्या करते हैं, एज अ न्यूट्रिएंट काम करते हैं सॉइल में. द सॉइल इज डिफाइंड एज अ टॉप लेयर ऑफ द अर्थ्स सरफेस. इसीलिए सॉइल को क्या कहा गया है, टॉप लेयर कहा गया है अर्थ का, जो सरफेस है उसका. विच कंसिस्ट ऑफ सैंड, ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स. जिसमें सैंड आता है, ऑर्गेनिक मैटर आता है और मिनरल्स आते हैं. With some amount of water and air in it, जिसमें थोड़ा बहुत amount होता है water और air का. So this is how soil is formed. Now let's learn what are the types of soil. So children, there are mainly 3 types of soil. जो soil है वो 3 तरीके के आपको मिलेंगे depending on the size, feel and color of the soil particles. So ये किस पे डिपेंड करता है, ये इनके कलर पे डिपेंड करता है, साइज़ पे डिपेंड करता है और उसको आप जब टच करो तो फील कैसा होता है. सो इन सब फैक्टर्स पे ये सॉइल
को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एंड दीज आर ग्रेवल, सैंड एंड क्ले। इन्हें हम क्या क्या कहते हैं? इन्हें हम ग्रेवल कहते हैं, सैंड कहते हैं और क्ले कहते हैं। एंड दीज आर द फर्स्ट वन इज ग्रेवल। अब ग्रेवल क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर भी बनी हुई है। सो दिस इज ग्रेवल, जिसे आप गिट्टी भी कहते हैं। सो ग्रेवल कंसिस्ट ऑफ टाइनी स्टोन्स एंड डज नॉट होल्ड वाटर वेल। सो ये क्या है, छोटे छोटे पत्थर हैं स्टोन के जो पानी को नहीं होल्ड करते हैं। इट हैज़ गैप्स बिटवीन द सैंड, इट हैज़ गैप बिटवीन द स्टोन्स दैट अलाउ वाटर टू पास ईजिली। अब आप देख सकते हो ग्रेवल है, इसके बीच में आप देख सकते हो कितने सारे छोटे छोटे गैप्स हैं, जिसकी वजह से ये जो पानी है आसानी से इसके अंदर से पास ऑन हो सकता है। नेक्स्ट कम सैंड। सैंड इज लाइट एंड ड्राई, ये काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है, ड्राई होता है, एंड वाटर पासिस ईजली थ्रू दिस काइंड ऑफ सॉइल। और पानी जो है इस सॉइल से भी बहुत ईजिली निकल जाता है। एज अ पार्टिकल्स आर रफ, क्योंकि यहाँ जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, रफ होते हैं। नेक्स्ट बात आती है क्ले की। सो क्ले प्रोटेक्ट्स, क्ले पार्टिकल्स आर एक्सट्रीमली फाइन, ये काफ़ी ज़्यादा फाइन होते हैं, काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो मखमली फाइन होते हैं, एकदम पाउडर की तरह। क्ले बिकम्स वेरी हैवी एंड क्वाइट स्टिकी, क्ले जो है काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है, स्टिकी हो जाता है व्हेन वेट, जब इसे गीला किया जाए। सो वाटर डज नॉट फ्लो फ्रीली थ्रू दिस सॉइल, और वाटर जो है फ्रीली जो है इस सॉइल से फ्लो नहीं कर पाता है। नेक्स्ट आता है, अब हम पढ़ेंगे सॉइल के बारे में। सो सॉइल दैट कंटेन्स क्ले, सैंड एंड ह्यूमस, वो सॉइल जिसमें ये तीनों चीज़ें हों, क्ले भी हो, सैंड भी और ह्यूमस भी हो, ऐसे सॉइल को हम लोम कहते हैं। क्या कहते हैं? लोम। सो ये है आपका लोमी सॉइल। सो लोमी सॉइल इज़ यूजुअली वेरी गुड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए ये सॉइल काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। नाउ चिल्ड्रन, डू यू नो दैट यू विल नीड एन एम्प्टी, सॉरी चिल्ड्रन, यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज। You will need an empty jar, water and a sample of soil. आपको क्या चाहिए? एक empty jar means खाली बर्तन चाहिए, पानी चाहिए और क्या चाहिए? Soil का sample चाहिए। Fill the jar about 2/3, उस jar को 2/3 portion उसका fill करना है। Means this is a jar, तो उसको 3 में से यहाँ तक आपको पूरा इसको fill करना है with water, water से। Now take a sample of soil which is a mixture of different types and drop it into the jar. अब आपको क्या लेना है, थोड़ी सी मिट्टी लेनी है और इस जार के अंदर आपको डालते हुए चले जाना है। Now what you have to do is screw the lid and shake the jar until all the soil particles are no longer settled. So आपको क्या करना है, इस जार को ढक्कन लगाना है और उसे अच्छे से जार को मिक्स कर देना है। Now allow the suspended soil to settle for a while. अब जब आपने मिक्स कर दिया तो आप देखोगे कि सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग लेवल पे बैठने लगते हैं। And mark the layer that has got settled first. उस लेयर को पहले मार्क करें जो पहले बैठ जाता है। This is the sand layer. ये क्या है? सैंड का लेयर है। Now place the jar aside and wait for an hour. एक घंटे तक रुक जाएं, उस जार को साइड में रखें। Now mark the layer. नेक्स्ट लेयर, अब नेक्स्ट लेयर को हमने मार्क कर दिया, ये क्या है? दिस इज सिल्ट लेयर, ये सिल्ट का लेयर है। अगेन कीप द जार असाइड फॉर द होल डे, पूरे दिन के लिए उस जार को रख दें तो आप देखेंगे व्हेन द वाटर इज वंस अगेन क्लियर, मार्क द फाइनल लेयर। सो अब जो है फाइनल लेयर आ गया, जिसे हम कहते हैं क्ले लेयर। तो ये है क्ले लेयर और उसके ऊपर आप देख सकते हो पानी का ये पार्ट इतना बचा हुआ है। So this was the different layers of soil. Next comes soil profile. So we are going to learn about soil profile. Soil kis kis levels mein kaisa kaisa dikhta hai. So the layers of soil are called soil profile. So ye jo soil ke layers hote hain unhe kya kaha jata hai? Unhe soil profile kaha jata hai. The O horizon is the topmost horizon. जो यहाँ पे आप देख सकते हो ओ होराइजन दिख रहा है, वो क्या है? सबसे ऊपर का टॉप मोस्ट होराइजन है। एंड इट कंटेन्स क्वाइट अ बिट ऑफ लिविंग मटेरियल्स एंड ह्यूमस। तो यहाँ पे आपको लिविंग मटेरियल्स दिखेंगे और ह्यूमस दिखाई देगा इस लेयर में। नाउ दिस इज अ थिन होराइजन एंड इज ऑफन वेरी डार्क इन कलर। ये काफ़ी ज़्यादा थिक होता है और डार्क कलर का होता है।
नेक्स्ट कम्स द ए हराइजन इज बिलो द ओ हराइजन. तो ओ हराइजन के नीचे आपको दिख रहा है ये है आपका ए हराइजन एंड इट मोस्टली मेड ऑफ मिनरल्स एंड इज लोकेशन एंड इज द लोकेशन ऑफ अ क्वाइट अ फ्यू प्लांट रूट्स. तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे मिनरल्स मिलेंगे और ये जो क्या है लोकेशन है कुछ प्लांट रूट्स का. दिस लेयर इज ऑल्सो डार्क इन कलर. ये जो लेयर है ये भी काफ़ी ज़्यादा डार्क होता है कलर में ड्यू टू द अमाउंट ऑफ ह्यूमस लोकेटेड देयर. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ह्यूमस का जो अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है. नेक्स्ट कम्स द बी होराइजन. अब बारी आती है बी होराइजन की. आप देख सकते हो कि जो बी होराइजन है दिस इज जस्ट बिलो द ए होराइजन. ये ए होराइजन के आपको नीचे मिलेगा एंड इट इज ऑल्सो नोन एज सब सॉइल लेयर. इसे सब सॉइल लेयर कहा जाता है. दिस होराइजन इज यूजली लाइटर इन कलर. ये जो होराइजन है वो काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है कलर में एंड हैज़ लेस ऑर्गेनिक मटीरियल. और इसमें कम ऑर्गेनिक मटीरियल आपको मिलेंगे. देन द लेयर अबव द ओ अबव इट ओ टू ए द बी होराइजन इज डिस्क्राइब्ड बाय द काइंड एंड अमाउंट ऑफ मिनरल्स फाउंड इन इट. तो ये जो बी होराइजन है इसे जो है जिस तरीके के मिनरल्स इसमें मिलते हैं जिस तरीके के चीज़ें इसके अंदर मिलती हैं उसके अकॉर्डिंग इसको जो है कैटेगराइज किया गया है. अब बारी आती है सी होराइजन की. सो सी होराइजन इज बिलो द बी होराइजन. बी होराइजन के नीचे आपको यहाँ पे सी होराइजन दिखेगा एंड इट कंटेन्स सब पेरेंट मटीरियल दैट हैज बीन स्लाइटली वेदर्ड. यहाँ पे आपको ऐसा पेरेंट मटीरियल मिलेगा जो क्या हो जाता है वेदर्ड हो जाता है बिकॉज दिस लेयर इज यूजली डीप दैन द लेयर अबव इट. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये जो लेयर है वो काफ़ी ज़्यादा अंदर होती है उसके दूसरे लेयर से अगर कंपेयर किया जाए. द मिनरल्स इन दिस लेयर इज लेस वेदर्ड. और जो मिनरल्स हैं इस लेयर में वो लेस वेदर्ड हैं कम वेदर्ड हैं. द आर होराइजन इज द लोएस्ट होराइजन. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आर होराइजन जो कि सबसे नीचे का होराइजन है एंड इट इज़ द लेयर ऑफ बेड रॉक एंड सॉलिड रॉक लेयर. ये क्या है ये जो लेयर है ये है बेड रॉक का लेयर और यहाँ पे आपको सॉलिड रॉक्स दिखेंगे. रॉक्स बड़े बड़े अमाउंट में आपको यहाँ पे मिलेंगे. नेक्स्ट लेट्स लर्न अबाउट द लाइफ इन द सॉइल. अब सॉइल में क्या लाइफ है लेट्स उसके बारे में चलिए जानते हैं. सो देर आर प्लेंटी ऑफ माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया हो गए एंड थ्रेड लाइक ग्रीन एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स इन द सॉइल. सो सॉइल में आपको बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं बैक्टीरियाज मिलते हैं जो कि ग्रीन भी हो सकते हैं नॉन ग्रीन भी हो सकते हैं. अमंग्स द एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल आर इंसेक्ट्स. तो अब सॉइल में कौन कौन से इंसेक्ट्स मिलते हैं जैसे कि यहाँ पे मिलता है हमें एंट चीटियाँ वाइट एंट ग्रास ऑफर क्रिकेट सेंटीपिडी मिलीपिडी एंड देन स्कॉर्पियंस अर्थवर्म. So here you can see the picture of all these that are available in soil, who live in soil. Now, some more are there, roundworm, sandworm and flatworm. So these all worms also are found in soil. Bigger animals live like rat, moles and rabbit also make their home in the soil. So jo bade bade animals hain jaise ki rat ho gaya ya mole ho gaye, ye kya hain? या फिर रैबिट है ये जो है अपना घर बना लेते हैं सॉइल में. दे डेक बरो और होल्स इन सॉइल टू लिव इन. ये क्या करते हैं अपना घर बना लेते हैं सॉइल में और वहीं पे ये रहते हैं. सो नाउ चैनल लेट्स मूव ऑन टू टेस्ट योर स्किल्स. राइट टू अ फॉल्स फॉर द फॉलोइंग. सो सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ. यस दिस इज ट्रू. एनिमल्स प्रोवाइड फूड टू मोस्ट प्लांट्स. False. Like this children do the rest of the questions yourself. Now let's learn about soil erosion. So what is soil erosion? When the uppermost layer of the soil or the topsoil is most affected by natural forces like wind and water. So ye jo hai jab upar ka layer hota hai soil ka jise hum uppermost layer kehte hain ya fir isse hum topsoil kehte hain jab ye jo hai wind or water se affect ho jata hai जो कि नेचुरल फोर्सेस हैं तो क्या होता है दिस प्रोसेस बाय विच द फर्टाइल टॉप सॉइल इज कैरिड अवे बाय विंड एंड वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन. सो वो तरीका वो प्रोसेस जिससे क्या होता है ये जो फर्टाइल सॉइल है
ये जो है हवा और पानी दोनों से बह के कहीं और चले जाते हैं, तो हम इसे कहते हैं सॉइल इरोजन. द टॉप सॉइल बीइंग लाइटर गेट्स इजिली कैरीड. ये जो टॉप सॉइल है काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है, इसलिए ये जो आसानी से कैरी ऑन हो जाता है. दिस अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. ये क्या करता है, प्लांट के ग्रोथ को इफेक्ट करता है. एज प्लांट्स गेट मोस्ट ऑफ देयर न्यूट्रिएंट्स, जैसा कि प्लांट्स है अपना काफ़ी सारा न्यूट्रिएंट्स इसी से पाते हैं, इस टॉप सॉइल से ही पाते हैं. दस इफ द टॉप सॉइल इज लॉस, वेयर वुड द प्लांट्स ग्रो. अगर ये टॉप सॉइल ही गायब हो जाएगी तो प्लांट्स ग्रो कहाँ करेंगे. सो ये टॉप सॉइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए. नाउ लेट्स लर्न हाउ दिस इरोजन बाय विंड इज डन. विंड कैसे जो है इरोजन को प्रोड्यूस करता है. सो स्ट्रॉन्ग विंड्स डैमेज द सॉइल. ये जो स्ट्रॉन्ग विंड है, काफ़ी ज़्यादा तेज चलने वाली हवाएं हैं, वो क्या करते हैं, सॉइल को डैमेज कर देती हैं. दे कैरी अवे द लूज टॉप सॉइल. ये जो ऊपर जो लूज टॉप सॉइल है उसे अपने साथ बहा के उड़ा के ले जाती हैं, जो कि सबसे ज़्यादा फर्टाइल पार्ट होता है सॉइल का. एंड डिपॉजिट इट एट अदर प्लेसेस. और उस सॉइल को उड़ा के कहीं और ले जाके वो डिपॉजिट कर देती हैं. कंटिन्यूस इरोजन कैन लेड टू बैरन लैंड वेयर नो प्लांट्स आर एबल टू ग्रो. अगर ये इरोजन कंटिन्यूसली होता रहेगा, लगातार ऐसे ही होता रहेगा, तो क्या होगा, एकदम आपको बैरन लैंड मीन्स खाली ज़मीन मिल जाएगी जहाँ पे कोई भी प्लांट ग्रो नहीं कर पाता है. सो आप देख सकते हो कैसे स्टॉर्म जो है कैरी अपने साथ जो है टॉप सॉइल को लेके जा रहा है. नेक्स्ट इज इरोजन बाय वाटर. अब इरोजन बाय वाटर कैसे होता है, रनिंग वाटर ऑफ द रिवर एंड रेन हैव द एबिलिटी टू टेक अवे द टॉप सॉइल. सो ये जो बहता हुआ पानी है, रनिंग वाटर, वो क्या करता है, उसके अंदर ये काबिलियत होती है कि वो अपने साथ टॉप सॉइल को लेके चला जाता है, बहा के ले जाता है. द फोर्स ऑफ वाटर इन द रिवर इज स्पेशली स्ट्रॉन्ग. ये जो फोर्स होता है वाटर का रिवर में, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. एज इट फ्लोज डाउन द हिल्स, जैसे कि ये हिल्स से नीचे बहता है. इट वॉशेज अवे द टॉप सॉइल एंड डिपॉजिट इट इन द प्लेन्स. तो ये क्या करता है, अपने साथ टॉप सॉइल को बहा के ले जाता है और उसे प्लेन एरियाज में डिपॉजिट कर देता है. सो दिस सॉइल अलॉन्ग द रिवर इज कॉल्ड सिल्ट. ये जो सॉइल होता है रिवर के किनारे से सिल्ट कहा जाता है. एंड इट इज़ वेरी फर्टाइल. ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होता है. ना ये यू कैन सी रिवर फ्लोइंग डाउन हिल कैरी अवे द टॉप सॉइल. अब आप देख सकते हो रिवर कैसे हिल से नीचे आ रही है और अपने साथ ये टॉप सॉइल को कैरी करके ले जा रही है. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द मैन मेड कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन. अब सॉइल इरोजन के कुछ मैन मेड कॉजेज भी हैं, क्या हैं वो. सो ह्यूमंस कट डाउन ट्रीज टू क्लियर लैंड टू बिल्ड हाउसेज एंड फैक्ट्रीज. तो ह्यूमंस क्या करते हैं, वो पेड़ों को काट देते हैं, लैंड और बिल्डिंग को लैंड को क्लियर कर देते हैं ताकि वो बिल्डिंग बना सकें, फैक्ट्रीज बना सकें और वुड ले सकें इन फॉरेस्ट से. तो इन सब चीज़ों के लिए ह्यूमंस क्या करते हैं, इन पेड़ों को काट देते हैं, लैंड को बैरन कर देते हैं. सो कटिंग ऑफ ट्रीज मेक द सॉइल लूज. ये जो पेड़ों का काटना, उससे क्या होगा, सॉइल जो है लूज हो जाता है वहाँ का सॉइल, क्योंकि रूट्स का क्या काम होता है, सॉइल को पकड़ने का. अब जब उन्होंने पेड़ ही काट दिया तो रूट्स तो बचे ही नहीं, तो सॉइल को पकड़ेंगे कैसे. सो लूज सॉइल प्रोवाइड द सॉइल इरोजन. ये जो लूज सॉइल है क्या करता है, ये हेल्प करता है सॉइल इरोजन में. एनिमल्स लाइक काउ, शीप एंड गोट आर ग्रेट लूज. एनिमल्स लाइक काउ, शीप एंड गोट्स आर गेट लूज टू ग्रेज ऑन लैंड. अब ये जो एनिमल्स हैं, जैसे काउ हो गए, शीप हो गए या फिर गोट है, इन्हें जो है लैंड को ग्रेज करने के लिए खुला छोड़ दिया जाता है. दीज ग्रेजिंग एनिमल्स ईट द ग्रास एंड प्लांट्स एट अ वेरी फास्ट रेट. ये एनिमल्स क्या करते हैं, घास को बहुत ही तेज़ी से ये खा जाते हैं. एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर द ग्रास एंड प्लांट्स टू ग्रो अगेन. और बहुत टाइम लगता है ग्रास और प्लांट को ग्रो होने में. जितनी जल्दी वो खा जाते हैं उससे काफ़ी टाइम लगता है इन्हें ग्रो होने में. सो ओवर ग्रेजिंग बाई एनिमल्स इज हार्मफुल फॉर द सॉइल. तो अब जो दूसरा फैक्टर है वो क्या है, ओवर ग्रेजिंग. ओवर ग्रेजिंग क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है किस चीज़ के लिए, प्लांट्स. ओवर ग्रेजिंग बाई एनिमल जो है हमारे सॉइल के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है. ना ह्यूमंस डेक डीप होल इन द सॉइल. ह्यूमंस क्या करते हैं, वो गहरे होल्स डिक कर देते हैं सॉइल में
टू एक्सट्रैक्ट मिनरल्स, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, मिनरल को निकालने के लिए. दे ब्रेक डाउन रॉक्स एंड क्वेरीज, ये क्या करते हैं, रॉक्स को ब्रेक कर देते हैं क्वेरीज में. एंड सच माइनिंग एक्टिविटीज कॉज सॉइल इरोजन, और इन माइनिंग एक्टिविटीज से आप देख सकते हो जैसे यहाँ पर माइनिंग हो रही है, इसकी वजह से भी सॉइल इरोजन होता है. फार्मर्स अडॉप्ट इनकरेक्ट मेथड ऑफ फार्मिंग विच कॉज सॉइल इरोजन. फार्मर्स क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के गलत मेथड्स को अपनाते हैं जिससे क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है. When farmers grow the same crop again and again, जब एक ही तरीके की फसल बार बार उगाई जाती है तो क्या होता है, जो फील्ड है उसका जो भी न्यूट्रिएंट है वो ख़त्म हो जाता है, और जिसकी वजह से सॉइल का जो लेवल है वो भी ख़राब हो जाता है, डिप्लीट हो जाता है. दिस मेक्स द लैंड इनफर्टाइल, और ये क्या करता है, लैंड को इनफर्टाइल बनाता है. लीविंग द फील्ड विदाउट एनी क्रॉप आफ्टर हार्वेस्टिंग, फील्ड को बिना किसी क्रॉप के छोड़ देना हार्वेस्टिंग के बाद, ये भी क्या करता है, दिस ऑल्सो एक्सपोजेस द सॉइल टू इरोजन, इसके वजह से भी सॉइल इरोजन होता है. नाउ लेट्स लर्न हाउ टू कंजर्व सॉइल, सो वी विल लर्न अबाउट सॉइल कंजर्वेशन. तो अभी हमने पढ़ा कि सॉइल किन किन फैक्टर्स की वजह से इरोड हो जाता है या इरोजन होता है, अब इसको कैसे बचाया जाए. So, to protect the soil from getting erosion, from erosion is called conservation. So, soil को बचाने के लिए erosion से, इस process को हम conservation कहते हैं. Soil can be conserved in the following ways, अब कुछ तरीके दिए गए हैं. पहला तरीका क्या कहता है, plant trees, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, and they should be planted to replace the ones that are cut down, और इन्हें ऐसे लगाएं कि जिन पेड़ों को काटा गया उनके replacement में ये पेड़ लगे हैं. Trees and bushes should be planted in open land, जो open land है, open area है, वहाँ पर जो पेड़ हैं, trees हैं, bushes हैं, वो क्या करने चाहिए, हमें plant करना चाहिए. This practice does not allow the wind to blow, ये जो practice है वो क्या करता है, wind को बहने में help नहीं करता. And एट फुल फोर्स एंड टेक अवे द सॉफ्ट सॉइल, टॉप सॉइल. सो क्या होता है, इस प्रैक्टिस की वजह से विंड बहुत तेज नहीं बह सकती और जो टॉप सॉइल है वो वहीं के वहीं रहेगा. अगला तरीका है मेकिंग बैंक्स एंड एम्बैंकमेंट्स. सो अब हमें क्या बनाना है, बैंक और एम्बैंकमेंट. सो यू मस्ट हैव हर्ड द ग्रेट डैमेज कॉज बाई फ्लड, आपने सुना होगा कि फ्लड कैसे काफ़ी सारे घरों को नुकसान पहुँचाती है. सो फ्लड ईट अवे द सॉइल अलॉन्ग द बैंक्स, तो फ्लड क्या करती है, सॉइल को भी अपने साथ ले आती है और जो बैंक्स हैं, रिवर बैंक, उसे भी ये तोड़ देती है. सो एट प्लेसेस वेयर द रिवर स्ट्राइक्स अगेंस्ट द बैंक्स, स्ट्रॉन्ग एंड एम्बैंकमेंट्स आर कंस्ट्रक्टेड. सो ऐसी जगह जहाँ पे ये रिवर जो है किनारे को छूती हैं, ऐसी जगहों पे काफ़ी ज़्यादा मजबूत एम्बैंकमेंट्स बनाने चाहिए. So as to contain the flow of river water and thus avoid damage of crop. So जिससे क्या होगा, river का जो flow है वो रोका जा सकता है और crop का damage भी रोका जाए. And to the soil, और जो है soil भी इस तरीके से damage नहीं होगा. Next comes making terrace or furrows, या तो terrace farming करें या furrows बनाए. सो इफ़ वाटर कम्स डाउन अ स्लोप विद ग्रेट फोर्स, अगर किसी बड़े किसी स्लोप पे से जो वाटर बहुत तेज़ी से आता है, इट कॉजेज अ ग्रेट डील ऑफ डैमेज, ये क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है. टू द सॉइल बाई ब्रिंगिंग डाउन लार्ज अमाउंट ऑफ सॉइल विद इट, ये सॉइल को नुकसान पहुँचाता है उसके साथ काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में टॉप सॉइल अपने साथ ले जाके. इफ़ द फ्लो ऑफ वाटर कैन बी मेड स्लोअर, अगर ये जो वाटर का फ्लो है अगर इसे धीरे किया जा सका तो क्या होता है, जो डैमेज है वो कम हो सकता है. एंड ये कैसे किया जाता है, ये बनाया जाता है टेरेस, तो टेरेस फार्मिंग की जाती है हिल्स पे, जिसकी वजह से जो पानी का फ्लो है उसे रोका जा सके, कम किया जा सके, या फिर फरोज बनाए जाते हैं अलॉन्ग द हिल स्लो. दीज टेरेस वीकन द फोर्स ऑफ रनिंग वाटर, और ये जो टेरेस क्या करते हैं, जो रनिंग वाटर है उसके फोर्स को कम कर देते हैं. यू मस्ट हैव सीन टेरेस, आपने टेरेस देखा होगा, टेरेस फार्मिंग इन द हिल्स, हिल्स में. एंड दिस मेथड ऑफ फार्मिंग प्रिवेंट सॉइल इरोजन, और ये जो मेथड है फार्मिंग का, इससे क्या होता है, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट किया जा सकता है. एंड इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्टर फार्मिंग, इसे कॉन्टर फार्मिंग भी कहते हैं.
These ways help man to protect the soil. ये जो तरीके हैं ये क्या करते हैं, मैन को हेल्प करते हैं सॉइल को प्रोटेक्ट करने में फ्रॉम डैमेज बाय इरोजन. इरोजन से बचाने के लिए, डैमेज से बचाने के लिए ये तरीके काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं. कंजर्वेशन ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ द सॉइल इज पुअर एंड लूजेज इट फर्टिलिटी और क्रॉप्स वुड ऑल्सो बी ऑफ पुअर क्वालिटी एंड क्वान्टिटी. सो सॉइल को कंजर्व करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो पुअर रहेगी तो क्या होगा, हमारे जो क्रॉप्स हैं वो पुअर क्वालिटी के प्रोड्यूस होंगे, पुअर क्वान्टिटी में प्रोड्यूस होंगे. सो दिस वॉज द चैप्टर चिल्ड्रेन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू न्यू वर्ड्स. So the first word is topsoil. The surface layer of the soil in which plants have their root is the topsoil. Subsoil is a layer of the earth just below the topsoil. Furrow is a trench in the earth made by a plow. And conservation is protection and prevention of natural resources. Now let's move on to flashback. Soil is formed as a result of the breaking up of rocks. Soil is formed in layers. The upper layer of soil is called topsoil. It provides food for plants. The lower layer of soil is called subsoil and it lies above the layer of rocks. Now let's move on to book exercise. Here A exercises take the correct option. So here the first question is the upper layer of the soil is called topsoil. The soil deposited by river is called silt. So these are the answers, children. Do the rest yourself. Now let's move on to fill in the blanks. So here the first question is dash is very important for life on earth. So soil is very important. Agar soil nahi rahega to plants kahan se aayenge. Next below the top soil is the subsoil. So do the rest questions yourself, children. Now let's move on to C part, which is right, true or false for the following statements. Soil can be formed overnight. Kya raaton raat banaya ja sakta hai? False. So children, the second question is gravel is a kind of soil. Yes, this is true. So like this, you have to do the rest of the questions yourself. Now children, let's move on to D part, which is write any one important feature of the following. So here the first one is sand. So sand has the important feature that water passes easily through it. Now the next one is clay. Clay has particles that are extremely fine. Like this, you have to do the rest of the questions yourself. You have to find out their features. Now let's move on to E part, which is answer the following question. So here the first question is how is soil formed? So soil is formed by the breaking down of rocks and it takes millions of years for this process. So now the second one is what is soil erosion and name the agents that bring about erosion. So soil erosion is the process in which the topsoil is carried away by wind or water. So these two are the agents that bring out this erosion. So like this, children, you have to do question number 3 to 5 yourself. Read them and do it. And with this, we have completed the chapter. I hope it's clear to you. I'll be waiting for you with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.